इस प्रॉब्लम में आपको एक थिन रॉड गिवन है, ये थिन रॉड है और ये ग्राउंड पे टिकी हुई है और मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी, और यूनिफॉर्मली का मतलब ये नहीं कहीं ज़्यादा कम है, बराबर है हर जगह। आपको निकालना है कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, ये क्वेश्चन है। तो एक स्टूडेंट आया, वो कहता जी जीरो। मैंने कहा क्यों? कहता रॉड ग्राउंड पे पड़ी हुई है। मैंने कहा जीरो कैसे? जीरो तो हो नहीं सकती। क्यों? क्योंकि मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। मास तो यहाँ भी है, 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 हर जगह मास ही मास है, और ग्राउंड से कुछ तो हाइट है मास की। तो आंसर जीरो तो बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि केवल एक ही पार्टिकल ग्राउंड को टच कर रहा है। सही है यहाँ तक? तो उसने कहा फिर कैसे निकलेगी एनर्जी? मैंने कहा देख कैसे निकलेगी, इस मास की, छोटे से मास डीएम ले लेते हैं, इस मास की एनर्जी छोटी होगी, एमजीएच, हाइट छोटी है, इसकी ज़्यादा होगी, इसकी ज़्यादा होगी, इसकी ज़्यादा होगी, ज़्यादा ज़्यादा सबसे ज़्यादा, फिर टोटल क्या होगी? सभी मासेस की एनर्जी को मिलाना पड़ेगा तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी आएगी सिस्टम की। एग्रीड? सही है, क्योंकि मास 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 डिस्ट्रीब्यूटेड है, सभी को मिला के आंसर आएगा। तो ठीक है, वो कहता करके दिखाओ। मैंने कहा देख ऐसे करते हैं, इस पर लिख लेना दिस इज योर मेथड नंबर वन। तो मैंने कहा ऐसा कर लेना, तो कोई भी एक मास ले ले, छोटा सा मास ले ले डीएम, और ये डीएम की हाइट मान ले एक्स है, और टोटल लेंथ तो चलो एल गिवन ही है, तो इसकी हाइट जो है वो मान लो एक्स है, तो इसकी स्मॉल पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी? मास डीएम इंटू जी इंटू एक्स। सही है, स्मॉल एलिमेंट की स्मॉल एनर्जी, सभी एलिमेंट की डी यू डी यू डी यू मिलाता जाऊंगा तो टोटल आ जाएगी, बातें खत्म हो गई। सही है यहाँ तक? तो फिर मैंने पूछा कि ये डीएम की वैल्यू क्या है, कोई बताएगा मुझे ये डीएम कितना है? मैंने बताया भी था ये फोर्स के चैप्टर में, एम बाई एल इंटू, आपको लेना पड़ेगा, मान लो इसकी स्मॉल लेंथ डी एक्स है, आपको लेना पड़ेगा इसकी जो स्मॉल लेंथ है वो डी एक्स है, तो आपको एक काम करना पड़ेगा, डीएम का शॉर्टकट है एम बाई एल इंटू डी एक्स। अगर आपको ये नहीं आता कोई बात नहीं, ऐसा कर लें, अगर लेंथ एल है तो मास रॉड का एम है, अगर वन है तो एम बाई एल है, और अगर डी एक्स है तो एम बाई एल इंटू डी एक्स है, ये स्मॉल मास आ गया। लेकिन आज के बाद हम शॉर्टकट मारेंगे, मैंने बताया भी था मास पर यूनिट लेंथ को लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो उसका मास आ जाता है। तो डीएम की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, डीएम की वैल्यू जो भी आई यहाँ पुट कर देते हैं, एम बाई एल इंटू डी एक्स इंटू जी इंटू एक्स। कोई डाउट इसमें? ठीक है यहाँ तक? एक्स तो हाइट है, डी एक्स उसकी स्मॉल लेंथ है। तो अब उसने कहा टोटल एनर्जी, मैंने कहा देख टोटल एनर्जी के लिए काम करियो, कॉन्स्टेंट्स को तो तू बाहर निकाल ले, क्या बचा एक्स डी एक्स, इसकी क्या कर दे इंटीग्रेशन, क्योंकि सारी एनर्जीज को मिलाएगा तभी टोटल एनर्जी आएगी। सारी एनर्जी मिलाने का मतलब जीरो से यू इंटीग्रेट करना, और लेंथ रॉड की कितनी है? जीरो से एल, तो जीरो से एल इंटीग्रेट करना, ये यू आ जाएगा, ये एम आ जाएगा, ये एल, ये जी, और एक्स डी एक्स की इंटीग्रेशन क्या है? एक्स स्क्वायर बाई टू, कहाँ से कहाँ तक? जीरो से एल। तो आंसर आएगा एम बाई एल इंटू जी इंटू वन बाई टू इंटू वन बाई टू इंटू एल स्क्वायर, एल से एल कट गया, आंसर इज एम जी एल बाई टू, ये इसका आंसर आया, एम जी एल नहीं आया, एम जी एल बाई टू आया। आइडिया समझ में आ रहे हैं एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम है इसकी? तो एक्चुअल में तो हर एलिमेंट की पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंट है, और तुम्हें सारे एलिमेंट की पोटेंशियल एनर्जी को तो मिलाना ही पड़ेगा तभी टोटल एनर्जी आएगी, नहीं तो आएगी नहीं। ठीक है यहाँ तक? आज की बात जब पेपर में ये क्वेश्चन आएगा, हम ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे, कौन करेगा ये इंटीग्रेशन कर कर के काम? तो क्योंकि
ये प्रॉब्लम्स में बहुत इंटीग्रेशन इन्वॉल्व है, और ऐसी वर्क पर एनर्जी की बहुत प्रॉब्लम्स हैं जिसमें सोचो अभी तो रॉड खड़ी है, 2 महीने के बाद रॉड को गिरना भी है, ग्राउंड के ऊपर घूमना भी है, और उसकी पोटेंशियल एनर्जी चेंज भी होगी। हमसे तो खड़ी रॉड की एनर्जी नहीं निकल रही, घुमाएंगे तो बहुत दूर की बात है। तो इसके लिए एक नया चैप्टर आने वाला है अभी 10 दिन के बाद, जिसका नाम है सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास इन टाइप की प्रॉब्लम को एक लाइन में, एक लाइन भी ज़्यादा बोल रहा हूँ, पेन को हाथ भी नहीं लगाना, आंसर आ जाएगा। हम वही करने वाले हैं। तो लिखो मेथड नंबर टू। मेथड नंबर टू जब हम करेंगे बाय यूजिंग सेंटर ऑफ मास, यूजिंग सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास किसी भी बॉडी का वो इमेजिनरी पॉइंट है। देखो मैंने बिल्कुल नहीं कहा वो पॉइंट है, मतलब कि एक्चुअल पॉइंट है या सारा मास वहाँ पड़ा हुआ है, मैंने बोला इमेजिनरी पॉइंट है जहाँ हम मानते हैं कि बॉडी का सारा मास वहीं पड़ा होगा। जैसे आपके पास ये रॉड है, सेम क्वेश्चन, आपके पास ये एक रॉड है, ये री रॉड, रॉड की लेंथ क्या है, रॉड की लेंथ है एल, ये री रॉड की लेंथ इज एल, रॉड का मास क्या है एम। तो ये रॉड का सेंटर ऑफ मास है क्योंकि मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। देखो नॉन यूनिफॉर्मली नहीं है, कहीं ज़्यादा कम नहीं है, बराबर डिस्ट्रीब्यूटेड है। जिन मासेस, जिन बॉडीज में मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, बराबर होता है, तो हम ये मान सकते हैं कि उनका सारा मास उन बॉडी के सेंटर पे पड़ा हुआ है। इस पॉइंट को बोलते हैं सेंटर ऑफ मास। तो आप इंस्टेड कि यहाँ 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 मास लें, आप इमेजिन कर लें कि सारा का सारा मास बस इसी पॉइंट पे पड़ा हुआ है, सेंटर ऑफ मास, बस ये सेंटर ऑफ मास पे पड़ा हुआ है, ये इमेजिनरी है। अब सेंटर ऑफ मास क्योंकि रॉड के सेंटर पे है तो ग्राउंड से इसकी दूरी कितनी है, एल बाई टू। ग्राउंड से हाइट क्या बनेगी, एल बाई टू। अब आपने जब सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट यूज कर लिया, अब शेप मैटर नहीं करती, अब बस यही मैटर करता है कि पॉइंट मास है। पॉइंट मास की हाइट एल बाई टू है, पोटेंशियल एनर्जी पॉइंट मास की क्या बनेगी, एम जी इन टू एल बाई टू, क्योंकि इसकी हाइट क्या है, एल बाई टू, पोटेंशियल जी एम जी एच। आंसर बिना इंटीग्रेशन के 1 सेकंड में आंसर आ गया आपके सामने। देखो सेंटर ऑफ मास कहाँ पर है, सेंटर पे। सारा मास कहाँ पर है, सेंटर पे, जिसकी हाइट कितनी है यहाँ से, एल बाई टू, तो आंसर क्या आएगा, एम जी इन टू एल बाई टू। पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक, क्या लॉजिक है इसका। तो आज के बाद इंटीग्रेशन नहीं करेंगे, रॉड की अगर पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो क्या करेंगे, इसमें सेंटर ऑफ मास से आंसर देंगे, तो ज़्यादा ईजी हो जाएगा। ना मैंने ये नहीं कहा 10 किलो की बॉडी 5 किलो की रह जाती है, मैंने कहा 10 किलो यहाँ पे पड़ा होता है, मास तो पूरा ही, मास तो आता होता ही नहीं। मतलब अगर तुम ये कहो कि ये मान लो 80 न्यूटन का है, सेंटर ऑफ मास का इसको बोला, सेंटर ऑफ मास बोल दिया तो ये 40 न्यूटन का थोड़ा रह गया, 80 न्यूटन का है, मास सेंटर पे है। सही सर, अगर वेट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ना हो तो कैसे, बोलो सर, अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ना हो मास तो क्या करेंगे। हाँ यही तो बात है, तुमने यही तो पूछा, अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ना हो तो क्या करें, वो भी यही पूछ रही है कि ये सेंटर में क्यों ले रहे हैं। अगर नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो कम या ज़्यादा, तो 10 दिन पढ़ना पड़ेगा एक चैप्टर जिसका नाम है सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास में यही तो निकलता है, फाइंड सेंटर ऑफ मास। अगर सारी दुनिया के सेंटर ऑफ मास सेंटर पे होते तो 10 दिन तुम्हारी जिंदगी के तो पक्का ही बच गए थे, क्योंकि सेंटर ऑफ मास का चैप्टर उठ जाता जिंदगी से। यही तो है, आपको उस चैप्टर में नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन मास ही दिया होगा और तुम्हें निकालना पड़ेगा सेंटर ऑफ मास। तो उस केस में अगर सेंटर ऑफ मास यहाँ निकला, फिर एम जी इंटू एच लगाना पड़ेगा, पहले सेंटर ऑफ मास ढूंढना पड़ेगा फिर एम जी एच लगाना पड़ेगा, ऐसे है, एक स्टेप और बढ़ गया। पर क्योंकि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में हमेशा सेंटर पे है, तो एम सेंटर पे लेके काम खत्म करेंगे, ऐसे है। जैसे सर कैलकुलस के बजाय निकाल सकते हैं ना, बिल्कुल निकाल, कैलकुलस तो सदा ही आपके साथ है,
हम अपनी ज़िंदगी को आसान करना चाहते हैं और कैलकुलस से थोड़ा दूर रहना चाहते हैं कि ऐसी फटाफट ऑब्जेक्टिव, यार डॉक्टर भी तो बनना है या वो कॉलेज सिलेक्शन चाहिए, वहाँ बैठ के कैलकुलस कौन खोलेगा, बंदा कहता है फटाफट आंसर चाहिए, ये बात है। बिल्कुल कर सकते हैं, कर सकते हैं। अभी जैसे ये क्वेश्चन है, लिखो क्वेश्चन में एक टेबल है, टेबल के ऊपर एक चेन पड़ी हुई है, चेन लटक रही है, फ्रिक्शन प्रेजेंट है, कोई टेंशन नहीं, लटकने दो। तो ये चेन का L/6 हिस्सा हवा में लटक रहा है, ये जो चेन है इसका टोटल मास M है और लेंथ L है और मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, राइट। लेकिन इसका सिर्फ L वाला हिस्सा हवा में लटक रहा है। क्वेश्चन है, आपको लटकती हुई चेन को टेबल पे रखना है, इस लटकती हुई चेन को टेबल पे उठा के रखना है, तो वर्क डन क्या होगा, ये क्वेश्चन है। वर्क डन क्या होगा, ये क्वेश्चन है। कितने नहीं बता रहा, बोल। नहीं, ये फोर्स की प्रॉब्लम थोड़ी ना, नहीं। हाँ, MgL/72। देखो कैसे, पहले एक लॉजिक देखो, पहले लॉजिक देखो। लॉजिक ये है कि इसमें सबसे पहला पॉइंट है कि इस पूरी लटकती हुई चेन का मास कितना है, पहले बोलो M/6। कैसे, अगर लेंथ L है तो मास M है, 1 है तो M/L है, और अगर L/6 है तो M/L×L/6, M/6 है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन है वैसे भी, तो M/6 है। तो जो हवा में लटकती हुई चेन है उसका मास M/6 है। अब क्योंकि यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, हर जगह, तो मैं मानूंगा कहाँ पर पड़ा हुआ है, सेंटर ऑफ मास पे। कितना मास पड़ा हुआ है, M/6। ये गलती मत कर देना, मास को आधा करने को नहीं कहा, मास तो पूरा ही है M/6, सेंटर पे पड़ा हुआ है। अब सेंटर से ये टेबल की हाइट क्या है, L/12, L/6 का आधा कितना है, L/12, सेंटर ऑफ मास L/12 हाइट पर है। अब सोचो, तुमने सिर्फ इस M/6 को उठा के टेबल पे रखना है, तो आप पोटेंशियल एनर्जी को इंक्रीज कर रहे हैं, और अमाउंट ऑफ वर्क डन जो होगा वो इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, मास इंटू जी इंटू कितनी हाइट पे उठा के रखना है, L/12, मल्टीप्लाई करो MgL/72। तो समझ में आ रहा है, चेन को अगर ऊपर उठाना है तो क्या करना है, पहले सेंट पूरा चेन का मास लेना है, लटकती हुई चेन का मास लिया, इस लटकती हुई चेन का मास सेंटर ऑफ मास पे प्लेस किया, ये डिस्टेंस लिया, MgH लगा लिया, आंसर आ गया। क्या ये पॉइंट यहाँ तक क्लियर है? हाँ, इंटीग्रेशन तो कर ही सकते हैं लेकिन करना नहीं चाहते।